जैन साहब श्रीमान सबक शुरू करने का अनुमति चाहता हूँ। जैन साहब क्लास खड़ा हो, देने से गिनती शुरू कर। एक दो तीन चार पाँच छः अप। एक दो नंबर एक अरे लेट, तीन चार नंबर दो अरे लेट। इसी प्रकार क्लास वन डे टू में बाद क्लास आराम से। नंबर एक अरे लेट स्थान ले। निलंग पोजिशन सीखे हुए तरीके से हथियार और सामान का निरीक्षण शुरू कर। ठीक। लड़ाई के मैदान में 84mm रॉकेट लॉन्चर से कितने प्रकार के अग्निशमन फायर किए जाते हैं? ये चाहे बराबर 9 प्रकार का अग्निशमन फायर किया था उस्ताद। ठीक। 84mm रॉकेट लॉन्चर सेक्शन का एकमात्र एंटी टैंक हथियार है। इससे दिन के समय धुआं और रात के समय रोशनी देने की काबिलियत रखता है। नंबर एक आसानी से कैरी कर सकता है, लेकिन हर और खाली करने की कार्रवाई में नंबर दो की जरूरत पड़ती है। सेक्शन के अहमियत वाले हथियार होने के नाते हरेक लॉन्चर डेट को इसकी फायरिंग पोजिशन, भरना खाली करना, फायर और मिसफायर होने पे कार्रवाई करने का तरीका जानना निहायत ही जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पे इस हथियार का पूरा पूरा फायदा उठा सके। ये तभी संभव है जब हरेक जवान स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान अच्छा सिखलाई पाया हो। लिहाजा इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सुने सबक का उद्देश्य 84mm रॉकेट लॉन्चर की फायरिंग पोजिशन, भरना खाली करना, फायर और मिसफायर होने पे कार्रवाई करने का तरीका सिखाना है। उद्देश्य को एक बार फिर सुने। 84mm रॉकेट लॉन्चर की फायरिंग पोजिशन, भरना खाली करना, फायर और मिसफायर होने पे कार्रवाई करने का तरीका सिखाना है। सबक संबंधी समाप्त। रॉकेट लॉन्चर बैग नंबर एक कंटेनर 5.56mm उसास राइफल, मुनासिब दूरी पे टैंक टारगेट और फिगर 11 टारगेट लगा हुआ। आपके सामने लॉन्ग यूजर पे बोर्ड क्लास में आए कठिन शब्दों को समझाने के लिए हथियार और सामान की सुरक्षा के इसी प्रकार से ग्राउंड शिप का पीछा हो। अब सबक तर्तीबार चले और क्लास को समझने में आसानी हो। सबक को चार भागों में सिखाऊं। भाग एक 84mm रॉकेट लॉन्चर की फायरिंग पोजीशन। भाग दो भरना और खाली करना। भाग तीन फायर करने का तरीका। भाग चार मिसफायर होने पे कार्रवाई करने का तरीका। यहाँ तक किए गए बयान और कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो आगे 84mm रॉकेट लॉन्चर की फायरिंग पोजीशन, फायरिंग पोजीशन बताऊं। उससे पहले बाईपार्ट की पोजीशन बताना निहायत ही जरूरी समझता हूं।
ताकि आपको फायरिंग पोजीशन अख्तियार करने में और भी आसानी हो। बायपार्ट की तीन पोजीशन, ऊंचा बायपार्ट, नीचा बायपार्ट और तिरछा बायपार्ट। एक फायर किस प्रकार से बायपार्ट की पोजीशन की बदली करता है, इसी कार्रवाई का नमूना लॉन्चर के ऊपर बयान के साथ दूंगा, आप देखे सुने तथा समझे। मिलिंग पोजीशन के आदेश पर फायर लॉन्चर के बाएं मिलिंग पोजीशन अख्तियार करता है और लॉन्चर को 90 डिग्री के एंगल में खड़ा करता है। देखे इस प्रकार मिलिंग पोजीशन सुने। ऊंचा बैठा जरूर जब एक से डेढ़ फीट का आड़ हो या खुले मैदान में फायर करने की जरूरत हो तो ऊंचा बायपार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। करने का तरीका, बाएं हाथ की कलमी वाली अंगुली और अंगूठे की मदद से बायपार्ट कैच को बाहर की तरफ खींचे, बायपार्ट को आगे की तरफ रखकर दे, बायपार्ट कैच को छोड़ दे, बायपार्ट को तब तक रखकर दे जब तक कि क्लिक की आवाज ना आए। देखे इस प्रकार ये था ऊंचा बायपार्ट। ऊंचा बायपार्ट में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? यस सर। सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा नीचा बायपार्ट। जरूरत जब लॉन्चर को पोत में रेस्ट हालात में रखने की जरूरत हो या स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल करना हो तो नीचा बायपार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। करने का तरीका, बाया हाथ की कलमी वाली अंगली और अंगूठे की मदद से बायपार्ट कैच को बाहर की तरफ खींचे, बायपार्ट को अंदर की तरफ रख दे, बायपार्ट कैच को छोड़ दे, बायपार्ट को तब तक खरक दे जब तक क्लिक की आवाज ना आए। देखे इस प्रकार ये था नीचा बायपार्ट। नीचा बायपार्ट में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं सर। सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा तिरछा बायपार्ट। जब लॉन्चर को लेंथ पोजीशन के अलावा और पोजीशन से फायर करना हो या हरकत दर्द के दौरान इस्तेमाल करना हो तो तिरछा बायपार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। करने का तरीका, बाएं हाथ की कलमी वाली अंगली और अंगूठे की मदद से बायपार्ट को कैच को बाहर की तरफ खींचे, बायपार्ट को घड़ी के सुनते दिशा में घुमाए, बायपार्ट कैच को छोड़ दे, बायपार्ट को तब तक खरकत दे जब तक कि क्लिक की आवाज ना आए। देखे इस प्रकार ये था तिरछा बायपार्ट। तिरछा बायपार्ट में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो अभी के लिए नीचा बायपार्ट। नंबर्स मिले अपने स्थान पर। 84mm रॉकेट लॉन्चर को चार पोजीशन से फायर किया जाता है, स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन और लेइंग पोजीशन। एक फायर किस प्रकार से फायरिंग पोजीशन को अख्तियार करता है, इसी कार्रवाई का नमूना मैं नंबर एक के हिस्से से दूंगा, आप देखे सुने तथा समझे। रीलिंग पोजीशन उठाए लॉन्चर बैक नंबर एक के आदेश पर फायरर लॉन्चर के बाएं रीलिंग पोजीशन अख्तियार करता है। देखे इस प्रकार रीलिंग पोजीशन उठाए लॉन्चर बैक नंबर एक, बैक नंबर एक के बाएं से दहने कंधा में लेता है, लॉन्चर को 90 डिग्री के एंगल में खड़ा करता है और बायपार्ट की पोजीशन की बदली करता है। बाया हाथ की पकड़ फ्रंट पिस्टल ग्रिप पे, दाहिना हाथ की पकड़ बायपार्ट के नीचे से ले जाते हुए पिस्टल ग्रिप को पकड़ते हुए अप के साथ खड़ा हो जाता है। देखें इस प्रकार अप स्टैंडिंग पोजीशन। जरूर जब 4 से 4.5 फीट का आ रहा या हर ट्रेन में फायर करने की जरूरत हो तो स्टैंडिंग पोजीशन अख्तियार किया जाता है। करने का तरीका, बायां पांव टारगेट के सीधे, दाहिना पांव पर के साथ खुला हुआ। देखे इस प्रकार फायरिंग पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन क्या था? इस पोजीशन में देखने वाली बात है, बायां पांव टारगेट के सीधे, दाहिना पांव पर के मुताबिक खुला हुआ, बॉडी पे दोनों पांव के ऊपर बाया हाथ की पकड़ फ्रंट पिस्टल ग्रिप के, चार उंगलियां बाहर से अंगूठे
कलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से, कलनी वाली अंगली फिगर बार के ऊपर। मां गहने पहने से किस प्रकार दबा लो, आई आई पीस के साथ लगा लो। एक बार सभी टाइम कार्डियो के लिए स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं। तो अगर हरकती टाइम कार्डियो को बर्बाद करना हो तो दो तरीके से बर्बाद किया जाता है, रैकिंग के तरीके और ट्रैकिंग के तरीके। रैकिंग के तरीके, टारगेट के आगे एक मशहूर निशान चुने और उस निशान पे शीश लेके टारगेट को बर्बाद करें। देखें एक प्रकार, एक था ट्रैकिंग का तरीका। ट्रैकिंग के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल ले तो अभी सिखाऊंगा ट्रैकिंग का तरीका। टारगेट के साथ हरकत में हरकत को मिलाकर रखने से दिया जाए। देखें एक प्रकार, दाहिने से जाता हुआ बाएं, दाहिने से बाएं जाता हुआ हरकत का इंकार पकड़ कर स्टॉप, बाएं से दाहिने जाता हुआ हरकत का इंकार घर पकड़ कर स्टॉप। देखा हरकत के टारगेट के लिए ट्रैकिंग का तरीका। ट्रैकिंग का तरीके में किसी भी स्टंप का कोई सवाल नहीं। तो अब अभी सिखाऊंगा नीलिंग पोजीशन। जरूरत जब लॉन्चर को दो से ढाई फीट या आग में फायर करने की जरूरत हो या नीचे से ऊपर फायर करना हो तो लीडिंग पोजीशन अख्तियार किया जाता है। करने का तरीका, बाएं पांव टारगेट के सीधे, दाहिना पांव पूरा दहने करते हुए लीडिंग पोजीशन अख्तियार करें। देखें इस प्रकार, फायरिंग पोजीशन, लीडिंग पोजीशन, लीडिंग पोजीशन क्या कर इस पोजीशन में देखने वाली बात है, बाया पांव टारगेट के सीधे में, बाएं हाथ की पकड़ फ्रंट पिस्टल ग्रिप के, चार उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से, बाया केहनी बाएं घुटने के ऊपर, ध्यान रहे फायरिंग के दौरान हड्डी से हड्डी का मिलाप ना हो, दाहिना हाथ की पकड़ पिस्टल ग्रिप के, तीन उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से, कलमी वाली अंगली टीगर गार्ड के ऊपर। माम दहने केहनी से दहने बगल चिपका हुआ, बॉडी बेल्ट दहने पांव के ऊपर, दहना पांव पूरा दहने, आई आई पीस के साथ लगा हुआ। एक हाथ खड़ी टैंक टारगेट के लिए नीलिंग पोजीशन। नीलिंग पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं। तो अगर हरकती टैंक टारगेट को बर्बाद करना हो तो हाई नीलिंग पोजीशन तैयार करें। और हरकती टारगेट को दो तरीके से बर्बाद किया जाता है, रैपिंग का तरीका और ट्रैकिंग का तरीका। रैपिंग का तरीका, टारगेट के आगे एक मजबूत निशान चुने, वहां पे सीट लेके फायर करें। देखें इस प्रकार, एक हाथ ट्रैकिंग का तरीका। ट्रैकिंग के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल है तो अभी सिखाऊंगा ट्रैकिंग का तरीका। ट्रैकिंग के तरीके में टारगेट के साथ हरकत में हरकत को मिला, देखें इस प्रकार, दहने से बाएं जाता हुआ हरकती टैंक आगे हरकत टैंक और स्टॉप, बाएं से दहने जाता हुआ हरकती टैंक आगे हरकत टैंक और स्टॉप। ये था ट्रैकिंग और ट्रैकिंग के तरीके से टारगेट को बर्बाद करने का तरीका। उस तरीके में किसी भी स्टूडेंट का सवाल सवाल नहीं। तो अब अभी सिखाऊंगा सिटिंग पोजीशन। जरूर जब फलान दर जमीन हो या ऊपर से नीचे फायर करना हो तो सिटिंग पोजीशन इस्तेमाल किया जाता है। करने का तरीका, बाएं पांव टारगेट के सीध में, दाहिने हाथ बाएं हाथ की टेक लेते हुए सिटिंग पोजीशन तैयार करें। देखिए एक प्रकार, बाएं पोजीशन सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन तैयार कर इस पोजीशन में देखने वाली बात है, बाएं पांव टारगेट के सीध में, बाएं हाथ की पकड़ फ्रंट पिस्टल ग्रिप पे, चार उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से, बाया हाथ की तहनी बाएं घुटने के ऊपर, दोनों पांव कठोर आसमान की तरफ पॉइंट करता हुआ, दाहिना हाथ की पकड़ पिस्टल ग्रिप पे, तीन उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से, कलमी वाली उंगली फिंगर गार्ड के ऊपर, दोनों कहनी दोनों घुटने के ऊपर, ध्यान रहे फायरिंग के दौरान हड्डी से हड्डी का मिलाप ना हो,
आई आई फिर से लगा हुआ। ये था करेक्ट टाइम टारगेट के लिए सिटिंग क्वेश्चन। सिटिंग क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं सर। सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा अर्थिंग टाइम टारगेट के लिए सिटिंग क्वेश्चन। अर्थिंग टाइम टारगेट को बर्बाद करना हो तो दोनों पैर को छोड़ कर और रैकिंग और ट्रैपिंग के तरीके से बर्बाद करें। रैकिंग का तरीका, टारगेट के आगे एक मशहूर निशान दिए और उस निशान पे सिर्फ लेके फायर करके टारगेट को बर्बाद करें। देखे इस प्रकार ये था ट्रैपिंग का तरीका। ट्रैपिंग के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल मैं कभी सिखाऊंगा ट्रैकिंग का तरीका। ट्रैकिंग के तरीके में टारगेट के साथ हरकत में हरकत को मिलाया जाए। देखे इस प्रकार हरकत कमर से दिया जाए, दहने से बाएं जाता हुआ हरकत तरीका हरकत तरीका स्ट्रोक, बाएं से दहने जाता हुआ हरकत तरीका हरकत तरीका स्ट्रोक। ये था ट्रैकिंग और ट्रैकिंग के तरीके। ट्रैकिंग और ट्रैकिंग के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो खड़ा होने के लिए बाएं हाथ को टेक लेते अप के साथ खड़ा हो जाए। देखे एक बार अप नंबर एक के द्वारा दिए गए आदेश को नंबर दो दोहराता है और नंबर एक सीखे हुए तरीके से कार्रवाई करता है। नंबर दो राइफल को मेक शीट की हालात में लाता है। देखिए इस प्रकार नंबर एक आदेश कंटेनर बैग दाखिल कंटेनर और राइफल को बाएं से दहने कंधा में लेता है और कंटेनर को लेते हुए कप के साथ खड़ा हो जाता है। देखे होता है नंबर एक के द्वारा दिए गए देश को नंबर दो दोहराता है। नंबर एक हाई पोजिशन त्याग करता है। नंबर दो नंबर एक के सामने 90 डिग्री के एंगल में फेस करते हुए खड़ा हो जाता है। देखे इसका नंबर एक आदेश जारी कर हरी पोजिशन स्टडी पोजिशन स्टडी पोजिशन अख्तियार कर स्टडी पोजिशन अख्तियार कर इस पोजिशन में देखने वाली बात है। नंबर दो नंबर एक के इतना नजदीक पोजिशन क्या करता है कि नंबर एक के द्वारा दिए गए आदेश को सुन सके दोहरा सके और भारत भारी व्यक्ति कार्रवाई कर सके। ये था करेक्ट टाइम टारगेट के लिए स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल है तो अगर हरकती टाइम टारगेट को बर्बाद करना हो तो हरकत में हरकत को मिलाया जाए। देखिए इस प्रकार पहले से बाहर जाता हुआ हरकती टाइम का हरकत है और बाएं से पहले जाता हुआ हरकती टाइम का हरकत है और था खड़े और हरकत टाइम टारगेट के लिए नंबर दो का पोजीशन। नंबर दो का पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल है तो देगा देश को नंबर दो दोहराता है। नंबर दो नंबर एक के एंगल में करते हुए दोनों घुटने के बल नीली पोजीशन का त्याग करता है। देखिए इस प्रकार नंबर एक आदेश जारी कर इस पोजीशन में देखने वाली बात है। नंबर दो नंबर एक के इतना नजदीक पोजीशन क्या करता है कि नंबर एक के द्वारा दिए गए आदेश सुन सके दोहरा सके और भर खाली कार्रवाई कर सके। ये था
हरे टैंक टारगेट के लिए नीली पोजीशन, नीली पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं होता, सवाल नहीं तो हरेक्टिव टैंक टारगेट को बर्बाद करना हो तो हरकत में हरकत नंबर दो मिलाता है। देखिए इस प्रकार दाहिने से बाएं जाता हुआ हरेक्टिव टैंक हरकत जाकर सिटिंग पोजीशन में नीली का सेम कार्रवाई करता है नंबर दो, स्टैंडिंग पोजीशन, नीली पोजीशन, सिटिंग पोजीशन नंबर दो के पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा। प्लेइंग पोजीशन में नंबर दो और नंबर एक की कार्रवाई, नंबर एक के द्वारा दिए गए आदेश को नंबर दो दोहराता है, नंबर दो नीली पोजीशन अख्तियार करता है और लॉन्ग आईपैड को हाई माउंट में करता है और लॉन्चर के 90 डिग्री में पोजीशन लेता है और नंबर दो भी नंबर एक के 90 डिग्री में पोजीशन लेता है। देखिए इस प्रकार नंबर एक आदेश जाए और नहीं कोई सकता कर नंबर दो अपने सहूलियत के लिए राइफल को सुरक्षित स्थान पर रखता है। इस पोजीशन में देखने वाली बात है नंबर एक का बाया हाथ की पकड़ फर पिस्टल ग्रिप पे चार उंगलियां बाहर से अंगूठा अंदर से, दाहिना हाथ की पकड़ पिस्टल ग्रिप पे तीन उंगलियां बाहर से अंगूठा अंदर से कमी वाली उंगली टिगर गार्ड के ऊपर लॉन्चर के 90 डिग्री के एंगल में पोजीशन लेता है और दाहिना पांव बाया पांव के ऊपर रखता है बैक ब्लास्ट के बचने के लिए। ये था नंबर एक का पोजीशन। नंबर एक के पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा नंबर दो का पोजीशन। नंबर दो का पोजीशन नंबर एक के द्वारा दिए गए आदेश को सुन सके, दोहरा सके और भर और खाली करके कार्रवाई कर सके। नंबर दो का बाया पांव दाहिने पांव के ऊपर बैक ब्लास्ट से बचने के लिए। ये था लेइंग पोजीशन में नंबर एक और दो का पोजीशन। नंबर एक और दो के पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो खड़ा होने के नंबर एक दिल्ली क्वेश्चन अख्तियार करता है, बाईपार्ट के क्वेश्चन की बदली करता है और आपके साथ खड़ा हो जाता है। देखिए इस प्रकार अब दिल्ली क्वेश्चन अगले लॉन्चर बैग रैफल करते नार यहाँ पे नंबर दो राइफल को खाली करके कार्रवाई करता है। नंबर फिलिप के स्थान ये था नमूना का अभ्यास। अभ्यास के लिए नंबर एक कार्यालय का स्थान दाहिने से बाएं जाता है और रखती तय कर रखा जाए कर स्टॉप बाएं से दाहिने जाता है और रखती तय कर रखा जाए कर स्टॉप अप
नंबर मिले अपने स्थान पर। भाग एक आपको ब्याज के साथ शिक्षकों ने भी सिखाऊंगा भाग दो भरना और खाली करना। एक फैरर किस प्रकार से भर और खाली करके कार्रवाई करता है, इसी कार्रवाई का नमूना मैं नंबर एक के ऐसे से दूंगा। आप देखें स्प्रे करो रंग मिली पोजिशन उठाए लॉन्चर बैग के आदेश पर। फायरर लॉन्चर के बाएं मिली पोजिशन अख्तियार करता। देखे किस प्रकार मिली पोजिशन उठाए लॉन्चर बैग नंबर एक को बाएं से दाहिने कंधा में लेता है। लॉन्चर को 90 डिग्री के एंगल में खड़ा करता है और बैकपैक की पोजीशन की धंधी करता है। बाया हाथ की पकड़। भाग एक आप अभ्यास के साथ सीख चुके हैं, सिखाऊंगा भाग दो भरना और खाली करना। एक फायर किस प्रकार से भर और खाली करके कार्रवाई करता है, इसी कार्रवाई का नमूना मैं नंबर एक के ऐसे दूंगा। आप देखे इसी के साथ लॉन्चर बैग नंबर एक सुने टारगेट एरिया में टारगेट दिखाई दे या स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान आदेश मिले था के आदेश पर नंबर एक लॉन्चर को कॉल करता है, सिटी कैच की पोजीशन इस पे करता है और नंबर दो को आदेश देता है घर। देखें किस प्रकार घर घर। ये था नंबर एक के हिस्से से भर्की करवाई। भर्ती करवाई में किसी भी स्टोर का कोई सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा नंबर दो के हिस्से से भर और खाली करके करवाए। नंबर एक का काम करने के लिए हवलदार सती स्थान लो। यहाँ पे हथियार सामान की बदली की जाती है। नंबर एक के द्वारा दिए गए आदेश को नंबर दो दोहराता है और नंबर दो फास्टिंग स्टिक वेंचुरी स्टिक के मध्य वेंचुरिका को खोलता है और वेंचुरिका ब्लाजा करता है। अगर धूल मिट्टी करता हो तो उस हिसाब से प्लेयर चीनी की मदद से साफ करता है। देखिए इस प्रकार नंबर एक आदेश देते हैं और राउंड को कंटेनर से निकालता है और राउंड का ब्लाजा करता है। अगर राउंड कहीं से दबी या क्रेक है तो ऐसे राउंड को इस्तेमाल नहीं करता, ऐसे राउंड को राउंड से अलग रखता है। देखे अभी के लिए इस्तेमाल के लिहाज से थी क्योंकि साफ कपड़े या बिजली की मदद से राउंड को साफ करता है और राउंड रेसेस और चैम्बर गाइड की मदद से राउंड को चैम्बर में दाखिल करता है और बैक ब्लास्ट एरिया का मुलाजा करता है। अगर बैक ब्लास्ट एरिया में कोई जानदार वस्तु है तो उसको हटाता है, अगर हटने लायक नहीं है तो फायरिंग पोजीशन की बदली करता है। देखे और बाएं हाथ की मदद से वेंचुरी को बंद करता है और नंबर एक के पीठ पर थप्पड़ लगाते हैं अब पुकारते हुए अपनी पोजीशन में आ जाता है। देखे इसका ये था नंबर दो के हिस्से से भर्ती करवाई। भर्ती करवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो टारगेट एरिया से टारगेट निकल जाए या स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान आदेश मिले बगैर फायर खाली कर के आदेश पर नंबर एक के द्वारा दिए गए आदेश को दोहराता है और फास्टिंग स्टिक और वेंचुरी स्टिक की मदद से वेंचुरी को खोलता है और फास्टिंग स्टिक को आगे की तरफ पुश करते हुए राउंड को बाहर निकालता है। देखे इस प्रकार नंबर एक आदेश जारी कर राउंड को कंटेनर में दाखिल करता है और वेंचुरी को बंद करता है। नंबर एक लॉन्चर को क्लियर करता है। देखे इस प्रकार
नंबर मिले स्थान ये था नमूना अवयोग अभ्यास अभ्यास के लिए नंबर एक आरंभ का स्थान लो। दिलीप को इसमें उठाए लॉन्चर राइफल बैग कंटेनर दिलीप को इसमें उठाए लॉन्चर राइफल बैग कंटेनर दिलीप को इसमें उठाए लॉन्चर राइफल बैग कंटेनर चार सौ खुले मैदान में
दुश्मन का टैंक टारगेट, बर्बाद करेंगे एटीएटी 751 से। फायर के लिए हथियार ऑपरेशन तैयार करके आदेश पर। नंबर दो, सीखे एक तरीके से मुनासिब राउंड को तैयार करता है। नंबर एक, रेंज सेटिंग लोड को चेक करता है, अगर बदली करने की जरूरत हो तो बदली करता है। देखे इस प्रकार फायर के लिए हथियार ऑपरेशन तैयार कर, हथियार ऑपरेशन तैयार कर, स्टॉप। यहाँ पे नंबर एक नंबर दो को स्टॉप कराता है और चेक बैक रिपोर्ट लेता है, चेक बैक रिपोर्ट नंबर दो के आदेश पर। नंबर दो, राउंड की तादाद और किस्में का हवाला देता है और भर्ती कार्रवाई करता है। देखे इस प्रकार चेक बैक रिपोर्ट नंबर दो, एक 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 हिसाब से बंद कर दिया। यहाँ पे नंबर एक से भी चेक बैक रिपोर्ट लिया जाता है, चेक बैक रिपोर्ट नंबर एक के आदेश पर। रेंज सेटिंग नो, रेंज स्केल, रेंज और शिस्त का हवाला देता है। देखे इस प्रकार चेक बैक रिपोर्ट नंबर एक, रेंज सेटिंग नो 751, रेंज 400, हाइट रेंज स्केल, शिस्त टारगेट कमल फायर के आदेश पर। नंबर एक, सेफ्टी कैच के पोजिशन फायर पे करता है और टिगर को प्रेस करता है, टिगर प्रेस होने पे राउंड फायर हो जाता है और दोनों नंबर्स मिलकर राउंड की मार को देखता है। ध्यान रहे, नंबर एक राउंड की मार को टेलीस्कोप साइड से देखता है और फायर के दौरान दोनों नंबर्स की मुंह खुला हुआ होना चाहिए। देखे इसका अगर राउंड ऑन टारगेट ना हो तो दोनों नंबर्स मिलकर मुनासिब करेक्शन देकर राउंड ऑन टारगेट करता है। इस प्रकार एक अच्छा सिखलाई पाया हुआ लॉन्चर डे एक मिनट में 6 राउंड प्रति मिनट के रफ्तार से फायर करता है। ये था फायर की कार्रवाई। फायर की कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? ए उस्ताद, सवाल लेकर राउंड ऑन टारगेट टारगेट बढ़ा तुरंत खत्म कर, तुरंत खत्म कर।
स्टॉप, चेक बैंक रिपोर्ट नंबर दो, एक कमन कर दिया। अब चेक बैंक रिपोर्ट नंबर एक देखें इस प्रकार, नहीं दो मिनट
लॉन्ग फायदा है। गैस लॉन्ग प्लस ट्रेनिंग के दौरान आदेश एक भी खारिज के आदेश पर दोनों नंबर मिलकर इस फाइल खाली करने की कार्रवाई करता है। देखे इस प्रकार फिर भी पढ़ने में मिलता था यहाँ पर नंबर एक नंबर दो से चेक प्राइमर रिपोर्ट लेता है। चेक प्राइमर रिपोर्ट नंबर दो के आदेश पर नंबर दो लॉन्ग के प्राइमर को चेक करता है। अगर प्राइमर पे चोट ना हो तो दोनों नंबर्स मिलकर फायरिंग पिन की बदली करता है। अगर प्राइमर पे चोट हो तो ऐसे राउंड को मिसफायर राउंड कहा जाता है। ऐसे राउंड को फायरिंग पोजीशन से 50 मीटर आगे और दाहिने रखा जाता है। अभी के लिए ग्राउंडशिप के मध्य चेक प्राइमर रिपोर्ट नंबर दो राउंड के प्राइमर पर ठीक है। ऐसे राउंड को मिसफायर राउंड कहा जाता है। ऐसे राउंड को फायरिंग पोजीशन से 50 मीटर आगे और दाहिने रखा जाता है। यहाँ पे नंबर एक नंबर दो को दूसरा HAT 751 भरने का आदेश देता है। देखे इस प्रकार दूसरा HAT 751 भर रिपोर्ट नंबर तो कौन सा है नंबर एक जो चाहे ठीक नंबर मिले अपने स्थान पर टूट जाना या फिस जाना मेन स्त्री का कमजोर हो जाना और राउंड के प्रांगण में रूप्स हो जाना। ये था नमूना अभियोग अभ्यास। अभ्यास के लिए आदेश इस प्रकार से होंगे। फायर नहीं के आदेश पर आप 5 सेकंड का बता देंगे। फिर फायर नहीं के आदेश पर आप 15 सेकंड का बता देंगे। फिर भी फायर नहीं के आदेश पर आप 2 मिनट का बता देंगे। मिस फायर खाली करके आदेश पर आप मिस फायर खाली करके कार्रवाई करेंगे। आदेशों में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो नंबर एक कार्यालय का स्थान लो दिलीप क्वेश्चन उठाए लॉन्चर बैग राइफल कंटेनर दिलीप क्वेश्चन उठाए लॉन्चर बैग राइफल कंटेनर दिलीप क्वेश्चन उठाए लॉन्चर बैग राइफल कंटेनर एक दो
खाली कौन दूसरा खरगोश चेक प्राइमरी कोट नंबर दो राम तो प्राइमरी पर ठीक चो इसे राम को बीस बार राम करता है इसे राम को खारी पोजिशन से 50 मीटर आगे रनिंग टारगेट तरफ क्रॉस करके रखा जाता है अभी के लिए ग्राम सेंटर में रखा बीस बार राम दूसरा एच एटी सात सौ काम भाव दूसरा एच एटी सात सौ काम भाव दूसरा एच एटी सात सौ भाव जैन साहब 5 मिनट के लिए लाइन पर जैन साहब